बिशप जी की गवाही है, इनकी बेटी के बच्चा होने वाला था तो चेक करवाने के लिए वो हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने प्लेटें कम बताई, वह खून भी कम था। डॉक्टर ने 4 बोतल खून की चढ़ाने तो उनका खून अपने आप और भी कम हो गया है। उसके बाद वहां के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बच्चा तो बच जाएगा पर उसकी मां नहीं बचेगी। उसके बाद में 2 हॉस्पिटलों में और गए तो उन्होंने इनको बोला कि 4 बोतल खून दो, उसके बाद हम इनको भर्ती करेंगे। उसके बाद उन्होंने भर्ती किया और डॉक्टर ने बोला कि बच्चे को हम बचा सकते हैं पर उसकी मां को नहीं बचा सकते। 6 दिन तक ये बहुत परेशानी में रहे और उसके बाद इन्होंने 2 बार प्रे टावर से प्रार्थना करवाई और फिर इन्होंने उपवास रखे और उसी रात को उनका ऑपरेशन हो गया और अब माँ और बच्चा दोनों ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह के पास्टर जी को और सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं अपनी बेटी की गवाही देती हूँ कि मेरी बेटी दिल्ली में रहती है और उसकी डिलीवरी होने वाली थी और जब मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने भर्ती करवाने के लिए हम लेके जा रहे हैं तो उन्होंने वहाँ भर्ती करवाया तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इनकी प्लेटें कम हैं, 70,000 से प्लेटें कम हैं, अभी 50,000 प्लेटें हैं इसकी। तो वहाँ उन्होंने बोला कि खून का इंतजाम करो, उन्होंने खून दिया, 4 वाइट बोतलें उनकी खून को चढ़ा दी थी। उसके बाद ही उसका खून कम हो गया था, 40, 50, 50 से 40, 40 से 30 आ गया था। तो उन्होंने मुझे यहाँ से फ़ोन किया कि इतनी प्लेटें इसकी बढ़ नहीं रही हैं और डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं। तो मैं यहाँ से रात को गई, जैसे कि वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, लड़की भी रो रही थी मेरी। और उसी रात उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ क्यों रिक्स लेके बैठे हो, आप यहाँ से इसे ले जाओ यहाँ से, कि यहाँ हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ लेकर, क्योंकि हम इसे नहीं बचा पाएंगे। तो उसी रात उन्होंने दिल्ली का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र कर दिया। वहाँ लेकर गए तो वहाँ भी उसने मतलब कि डॉक्टरों ने कहा कि हम भर्ती नहीं करेंगे इसको, प्लेटें कम हैं, ये बचेगी तो है नहीं, हाँ आप ले जाओ यहाँ से। तो वहाँ उनके रिश्तेदारों ने अपने किसी रिश्तेदारों को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हमारी लड़की यहाँ डॉक्टर है, आप उसे बुला लो और वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगी तो भर्ती कर लेंगे। तो उन्होंने उन्हें फ़ोन किया, वो लड़की ले डॉक्टर को लेकर आई, वहाँ रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने उनके रिक्वेस्ट पर भर्ती तो कर लिया। कहने लगे कि आप 4-5 बंदे बुलाओ और यहाँ खून जमा कराओ पहले। तो उन्होंने रातों रात 10 बज गए थे हमें, 12-1 बजे तक खून का इंतजाम किया, वहाँ खून दिया उसे, मतलब कि अल्ट्रासाउंड सभी टेस्ट उन्होंने द्वारा किए। द्वारा करने के बाद मतलब कि उन्होंने जैसे द्वारा किया तो हम भर्ती कर लिया उसे। 3 बजे फिर वापस बुलाया नीचे, नीचे बुलाने के बाद में उसने ऑपरेशन वाले कपड़े पहनाने से पहले ही कि वहाँ का सिस्टम अलग है कि वहाँ मरीज़ को ही कह देते हैं कि आपका ऑपरेशन में तो ले रहे हैं आपको, मगर पहली बात तो हमारे पास वेटिंग में ऑपरेशन है, ऑपरेशन में 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, हम कह नहीं सकते कुछ भी। अगर इस दौरान आपको कुछ होता है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, पहले आप सहन करो यहाँ पे। तो उसने पति के भी सहन करवा लिए, उसकी सास ससुर के सबके सहन करवा लिए उन्होंने। तो उन्होंने कहा चलो देखा जाएगा, जो भी होगा अब तो ऊपर वाले के हाथ में ही है। तो वो ऑपरेशन को मानते नहीं है तो वहाँ उन्होंने भर्ती किया, ऑपरेशन के कपड़े पहना दिए। तो 2 दिन वहाँ रहे वहाँ पे, फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी तक प्लेटें बढ़ नहीं रही हैं, इसका कोई अभी पता नहीं है। तो 3 दिन के बाद हम तीसरे दिन वहाँ पे झगड़ा भी हो गया हमारा। तो उसी दिन मैंने वो पास रखा, मैंने कहा परमेश्वर ही अब सब कुछ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जब मैंने वहाँ ऑपरेशन प्रार्थना की, यहाँ पे प्रेयर टावर में प्रार्थना करवाई, जहाँ से चलने से पहले भी प्रार्थना करवाई, वहाँ भी प्रार्थना करवाई मैंने, और मैंने फिर वो पास रखा। मैंने कहा परमेश्वर अब तो तू ही बचा सकता है मेरी बेटी को, पहले भी तूने 2-3 बार बचाया है और अब भी तू बचाएगा इसे। और जैसे मैंने उसे वहाँ पास रखा और उसी रात 11 बजे उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और 1 बजे मेरी बेटी और बच्चा बिल्कुल ठीक है अब दोनों। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये एक बड़ी बात है। जब नया नया ये डेंगू और ये प्लेटें कम होने लगी, पहले तो पता नहीं चलता था, और आपको पता कुछ साल पहले की बात है जब पता चलने लगा भी ये प्लेटलेट्स जो हैं पंजाब में सेल कहते हैं, यहाँ प्लेटें कहते हैं हम लोग, तो प्लेटें कम हो गई हैं, प्लेटलेट्स सेल कम हो गए हैं। तो नया नया जब हुआ था तो मुझे एक डॉक्टर ने कहा था कि अगर किसी की प्लेटें कम हो जाए तो बुरश भी ना करे। तो मैंने पूछा था कि आप बुरश मना करने से मना क्यों कर रहे हैं, अभी नया नया जब ये शुरू ऐसा हुआ था। तो उसने कहा अगर बुरश करते करते बाय चांस आपका बुरश जो है वो अंदर टकरा गया और थोड़ा सा खून निकला, पहले ही आपकी प्लेटें कम है तो खून निकलेगा तो और ज्यादा हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, खून निकलना शुरू हो जाएगा। मेरे तो कहने का मतलब वो मुझे ये ऐसा करके उन्होंने कहा।
तो ऑपरेशन करते समय तो आपको पता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो आप जानते ही हैं खून निकलता ही है। और देखिए पहले प्लेटें कम है, उसकी सेल कम है और खून की बोतलें उसको लगा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। दोनों हॉस्पिटल वाले यही कह रहे थे कि मां नहीं बचेगी, बच्चा तो हम बचा लेंगे, मां नहीं बचेगी, लेकिन परमेश्वर मसीह की दया हुई और परमेश्वर मसीह ने उन्हें बचा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।